यूट्यूब चैनल फिर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये वाला ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट किया है जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं वेडिंग फंक्शंस में और पार्टी वगैरह सभी जगह पर, लहंगा के साथ, साड़ी के साथ, सभी आउटफिट के साथ ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है कि किस तरह से मैंने ये लुक को क्रिएट किया है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें एंड तक। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो अभी मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ और वो मैंने इसमें शूट नहीं किया, बट जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी फेस वॉश। और ये एक फोमिंग फेस वॉश है और बिल्ट इन फेस ब्रश के साथ आता है और डीप क्लींजिंग आपके फेस को प्रोवाइड कर देता है। और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ये आपकी स्किन को प्यूरीफाई करने में हेल्प करता है और डलनेस को रिमूव करता है और स्किन में इम्प्रूव करता है रेडियंस को, मतलब रेडियंस बूस्टर है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छे से सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस को मतलब वॉश कर सकते हैं इसकी हेल्प से और ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। सो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, मैंने ऐड नहीं किया है, बट अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको वेट लग रहा होगा। सो अभी मैं इसे क्लीन करती हूँ। सो गाइस मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब अपना फेस क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फेस एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है फेस में। अभी मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं फेस अपना वॉश करती हूँ। सो मैं नहीं शेयर करती थी, अभी तक तो नहीं करती थी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो अभी मैंने सोचा कि मेरे पास अच्छे फेस वॉशेस है सो क्यों ना इन्हें भी शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो इसीलिए शेयर कर रही थी। और अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स सच में रियली बहुत ही ज़्यादा गुड होते हैं, मतलब क्वालिटी में भी और वर्क में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं ये। सो इसीलिए शेयर कर रही थी। अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे फेस को उसने क्लीन कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो के पहले तो मेरा फेस एकदम ख़राब लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही डल हो गया था। हम डेली घर से बाहर जाना आना करते, पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ख़राब हो जाती है। और ये जो मेरे पिंपल्स थे आपने इसके पहले वाली वीडियो में देखा होगा, तो अभी ये ड्राई हो चुके हैं इसीलिए ब्लैक ब्लैक थोड़े थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है। सो नेक्स्ट मैं बायोटिक का बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर यूज़ कर रही हूँ। और मेकअप से पहले मैं ये सभी चीज़ें अच्छे से फॉलो करती हूँ। अच्छा हम स्किन केयर फॉलो करते हैं हमारा मेकअप बेस उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखाई देता है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग बनता है हमारा मेकअप और हमारी स्किन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डल और ख़राब नहीं होती है। सो इसीलिए ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। सेम ये खादी ब्रांड का हल्दी चंदन क्रीम यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ अगर आसपास से आपको कोई भी नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस चीज़ के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सो सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ। बट हम कंटिन्यू करेंगे हमारा। सो अभी मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, उसके बाद अभी हम मेकअप स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले हमें नीड होती प्राइमर की, सो मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये है इनसाइड का प्राइमर और इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, अभी तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने प्राइमर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर इन दिस शेड 03। सो अभी मैंने ये न्यू परचेस किया था रिसेंट में, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता आपको। कंसीलर बेस्ट कंसीलर है ये सच में, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा।
सो मैं अपने हाई एंड पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे कवरेज की नीड है वहाँ वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि ये जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है यहाँ पर फोरहेड पर, ओनली कुछ ही जगह पर अप्लाई करूँगी। जहाँ पे मुझे डार्कनेस लग रही है उन एरियाज पर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा नेक एरिया पर, क्योंकि नेक एरिया बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है इसीलिए। सो आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर। सो अगर आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है आपके फेस पर, तो आप कंसीलर से अपना मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही सही अमाउंट पड़ेगा आपको, बहुत ही इजी रहेगा। सो अभी आप देख सकते हैं मुझे अच्छा खासा कवरेज मिल गया है, जैसा कि हम बहुत ही इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बिना फाउंडेशन के इतना अच्छा कवरेज मुझे प्रोवाइड कर दिया कंसीलर ने, और बहुत ही इजीली ये ब्लेंड भी हो जाता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। सो 03 एकदम नेचुरल शेड है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरी स्किन टोन के हैं तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं 03 शेड। नेक्स्ट मैं अंडर आई एरिया को सेट करूँगी इनसाइड का लूज पाउडर लेकर। मैंने सेटिंग के लिए पाउडर अप्लाई कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था सेटिंग के लिए पाउडर, अभी मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। और गाइस आपको मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे टैनिंग हो चुकी है डेली बाहर कॉलेज वगैरह जाकर। सो इसे हम रिमूव कर देंगे, बट अभी आप इसे इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की और कॉन्टूरिंग करेंगे। सो या गाइज माय कॉन्ट्यूरिंग इज़ डन, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही कॉन्ट्यूरिंग। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश, और ब्लश के लिए आज मैं ये वाला हाइलाइटर के नीचे वाला जो शेड है इससे लेकर अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए आज मैं कुछ फिर से अच्छा ट्राई करने वाली हूँ, जैसे कि मुझे ग्रेइश टाइप का कुछ लुक चाहिए था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन की मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट, और इसमें से आज मैं ये ग्रे शेड यूज़ करने वाली हूँ। सो आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा फॉल आउट जितना भी होगा ना, वो इजीली हम उसे क्लीन कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको भी फॉल आउट वाली दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए। मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी। ऑलराइट, सो बस इतना इनफ है। सो मैंने फॉल आउट के कारण ही ये अप्लाई किया है। अभी मैं पिक करने वाली हूँ दिस ग्रे शेड, ये ग्रे शेड ले रही हूँ और इसे जस्ट अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पार्ट पर। और थोड़ा सा कलर लेकर अपनी आईज़ के लोअर पोर्शन में भी अप्लाई कर रही हूँ।
नेक्स्ट मैं एक ये मेटेलिक ग्रे शेड ले रही हूँ और इसे इस तरह के फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिक करके जस्ट अपनी आईज के लीड पार्ट पर अप्लाई करूँगी, क्रीज के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर अप्लाई करूँगी। सो गाइज, मैंने इस तरह से इसे अप्लाई कर लिया है, शेड को ग्रे शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन को ड्रॉ करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखाई दे। नेक्स्ट मैं ये स्विस ब्यूटी का मेटेलिक ग्लिटर आई शेडो लेके बैक पार्ट पर लेकर इस तरह से मैंने इसे ले लिया है। इसके बाद मैं इस तरह से अपनी फिंगर टिप्स से जस्ट आईज के सेंटर में अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ग्लिटर आई शेडो को लेकर अप्लाई कर लिया है आईज के सेंटर में। अभी मैं सेकेंड आई में भी जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आईज में अप्लाई कर लिया है और अभी जो फॉल आउट हुआ है इसे हम क्लीन करेंगे। तो अभी हम फॉल आउट को क्लीन करेंगे, जस्ट सिंपली इस तरह से रिमूव। अभी मैं फिल इन करने वाली हूँ अपने आईब्रोज। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आईब्रोज फिल इन कर ली है और आईब्रोज फिल इन करने के लिए मैंने यूज़ किया है HR की आईब्रो ब्रश और पेंसिल। यूज़ करूँगी काजल और इसे अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी। तो इस तरह के फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं काजल को अच्छी तरह से स्मर्ज कर लूँगी। सो गाइस, आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ फॉल्सीज। सो चलिए फॉल्सीज अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फॉल्सीज भी अप्लाई कर लिया और फॉल्सीज के बाद लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। अब जल्दी से हम इस लुक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस बेला वॉस्टे की हाइलाइटर स्टिक और अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर टिप्स की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी। तो आज की मेकअप लुक में हमारी आईज़ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैट मी की ये स्टेरी पिंक लिपस्टिक और ये एक न्यूड काइंड ऑफ शेड है। थोड़ा सा हाइलाइटर अपनी ब्रो बोन्स पर भी अप्लाई करूँगी मैं। सो गाइस, यहाँ पे मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, हियर्स माय फाइनल लुक एंड आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। बहुत इजी एंड सिंपल मेकअप लुक है और ग्लैम भी है साथ ही साथ। सो गाइस, अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।